तो बच्चों, अब तक हमने वाक्य और उसके रूपांतरण के अंतर्गत पहला स्टेप और दूसरा स्टेप समाप्त किया है। पहले स्टेप में हमने जानकारी ली कि वाक्य किसे कहते हैं। क्या जानकारी ली थी हमने? वाक्य किसे कहते हैं। ओके, अब वाक्य किसे कहते हैं इसकी जानकारी के बाद हम आगे बढ़े स्टेप टू। स्टेप टू क्या था हमारा? स्टेप टू में हम लोगों ने देखा वाक्य के प्रकार क्या है। तो वाक्य के प्रकार हमने देखे कि रचना के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, द सेंटेंस आर थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स कौन कौन से देखे हमने? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यह हमारा द्वितीय स्टेप था, दूसरा स्टेप था। अब पहला और दूसरा स्टेप खत्म होने के बाद हम तीसरे स्टेप पर बढ़ रहे हैं। स्टेप 3। स्टेप 3 में हम जानकारी लेंगे वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण, चेंजेस ऑफ सेंटेंस। चेंजेस ऑफ सेंटेंस, वाक्य रूपांतरण। अब चेंजेस ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाक्य के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। वाक्य के तीन प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं। सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो तीन वाक्य हैं हमारे पास, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, जिसे हमने अंग्रेजी में सरल वाक्य को सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस और मिश्र वाक्य को हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम दिया था। तो अंग्रेजी में उन्हें उसी तरह से कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के वाक्यों का एक दूसरे में बदलना ही, जैसे सरल से संयुक्त में बदलना, या सरल से जो है मिश्र में बदलना, या फिर हम जो कह सकते हैं संयुक्त से सरल में बदलना या संयुक्त से मिश्र में बदलना, तो इस प्रकार से एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूप बदलने को ही हम क्या कहेंगे? वाक्य रूपांतरण कहते हैं। मतलब जब हम दिया गया वाक्य सरल वाक्य है, उस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे, तो उसे हम कहते हैं वाक्य रूपांतरण। मतलब एक वाक्य का दूसरे वाक्य में बदलने को ही, परिवर्तन करने को ही, चेंज करने को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य रूपांतरण कहते हैं। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि क्या कहा जा रहा है? कि जब हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, या फिर सरल संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे, या फिर संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे, या मिश्र वाक्य को जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे, इस प्रकार के चेंजेस करने को, इस प्रकार के चेंजेस करने को ही हम चेंजेस ऑफ सेंटेंस, या हिंदी में क्या कहते हैं हम, एक तरह से वाक्य रूपांतरण कहते हैं। तो वाक्य रूपांतरण, आपको समझ में आया कि वाक्य रूपांतरण का सही अर्थ क्या है? तो वाक्य रूपांतरण का मतलब है एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना ही वाक्य रूपांतरण या चेंजेस ऑफ सेंटेंस हम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताया जाए तो हमारे पास कितने प्रकार के वाक्य हैं? तीन प्रकार के वाक्य हैं। सबसे पहला कौन सा है? सरल वाक्य। दूसरा कौन सा है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा कौन सा है? मिश्र वाक्य। तो इन तीनों को एक दूसरे में बदलना, इन तीनों को एक दूसरे में बदलने को, बदलने की पद्धति को ही क्या कहते हैं हम? वाक्य रूपांतरण या चेंजेस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि वाक्य रूपांतरण का सही अर्थ क्या है। अब जब हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते हैं या सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदलते हैं, तो क्या इसका मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है? नहीं।
तो ये बात मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान में रखनी है। सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदले या संयुक्त वाक्य में बदले, उसका कोई अर्थ परिवर्तन, अर्थ बदलता नहीं, मीनिंग डज नॉट चेंज। ओके, मीनिंग बदलता नहीं है, केवल उसके फॉर्मेशन में, केवल उसके बनावट में, केवल उसकी रचना में, रूप में बदलाव आता है, तो अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि वाक्य रूपांतरण में सरल से संयुक्त में कैसे बदलेंगे, फिर सरल से मिश्र में कैसे बदलेंगे, मिश्र का सरल में कैसे बदलेंगे, इस पर हम एक एक करके जानकारी आज लेने वाले हैं। तो आपको अब समझ में आया कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूप बदलना ही या परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? वाक्य रूपांतरण। परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? परिभाषा, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूप बदलने को ही वाक्य रूपांतरण कहते हैं। ये परिभाषा है, समझ में आ गई बात? अब हम देखेंगे पहला इसके अंतर्गत, वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत पहला स्टेप देखेंगे। सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना, संयुक्त वाक्य में बदलना। अब ये कैसे बदलेंगे इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो दिए गए हमारे पास कम से कम दो सरल वाक्य होने चाहिए। यदि एक ही सरल वाक्य है तो उसको भी दो भागों में विभाजित करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए सभी लोग यहाँ पर। राम विद्यालय से आकर सो गया, ये हमारा सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य है। अब इस सरल वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो आपको प्रश्न यही आता है कि दिए गए वाक्य को जो है दूसरे वाक्य में बदलिए। तो हमारे पास दिया गया वाक्य है ये, राम विद्यालय से आकर सो गया। अब इस वाक्य को हमें कहा गया है कि संयुक्त वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य में बदले या बदलिए। अब संयुक्त वाक्य में बदलना है तो क्या करेंगे? तो सरल वाक्य को क्या कहा गया, नियम क्या है कि जब हमें सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है तो इस सरल वाक्य को दो भागों में विभाजित करो। इसी सरल वाक्य को दो भागों में विभाजित करो। जैसे यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है, राम विद्यालय से आया, ये एक वाक्य हो जाएगा। दूसरा वाक्य क्या होगा बच्चों? राम सो गया। अब हमें ये दो सरल वाक्य मिले हैं, यह एक वाक्य और यह एक वाक्य। तो नियम क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान देना है आपको। सरल वाक्य से जब संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं तो दिया गया जो सरल वाक्य है उसको दो भागों में अलग कर लीजिए। जैसे मैंने यहां पर किया, राम विद्यालय से आया, राम सो गया। अब हमें जब संयुक्त वाक्य में इसे चेंज करना है तो क्या करेंगे? संयुक्त वाक्य मतलब क्या होते हैं कि दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन जुड़ता है। तो अब आपको पता लगाना है कि
कि राम विद्यालय से आया, राम सो गया। इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा सुटेबल कंजेक्शन है। जैसे हमारे कंजेक्शन क्या क्या थे आपको हिंदी में बताया गया था, कंजेक्शन क्या क्या है हिंदी के, कंजेक्शन आपको बताए गए थे कौन कौन से बच्चों। नंबर एक जो है और, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु आदि। अब आप पता लगाइए कि इन कंजेक्शनों में कौन सा कंजेक्शन इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए सुटेबल होगा। तो मेरा जो उत्तर यह होगा कि और। तब हम क्या करेंगे, जैसे राम विद्यालय से आया और बीच में क्या जोड़ रहे हैं हम, और सो गया। समझ में आई बात। तो और यहां पर जुड़ने के कारण ये कौन सा वाक्य बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बनेगा। ये कौन सा वाक्य बना, संयुक्त वाक्य बना। तो फिर से मैं जो है दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए आप लोग। हम कहां पर है, वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण का मतलब एक वाक्य का दूसरे वाक्य में बदलना, इसे वाक्य रूपांतरण कहते हैं। और आपको जैसे पता है कि मैंने कहा था कि आपको एक मार्क तो ये पूछा जाएगा, एक अंक के लिए प्रश्न ये आएगा कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ये फाइंड आउट कीजिए, पहचानिए। अब दूसरे जो तीन प्रश्न आएंगे वो आपको वाक्य एक से दूसरे में बदलने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण सबसे पहले लिया है सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हमने नियम क्या बताया कि सरल वाक्य को दो भागों में विभाजित कीजिए, क्योंकि जो भी सरल वाक्य दिया जाता है उसके दो भाग होते हैं। क्योंकि संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हमारे पास दो सरल वाक्यों का होना जरूरी है। अगर दो सरल वाक्य नहीं है वहां पर तो हम उन्हें संयुक्त वाक्य में बदल नहीं सकते। तो इसलिए मैंने उदाहरण क्या दिया आपको, परीक्षा में भी इसी तरह से आपको उदाहरण आएगा। समझ में आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। तो हमारा उदाहरण क्या है, राम विद्यालय से आकर सो गया, ये सरल वाक्य है ना, और उसको संयुक्त वाक्य में बदलिए आपको दिया गया। तब आप क्या करेंगे, राम विद्यालय से आया तोड़ना है, इस सेंटेंस को आपको जो है विभाजित डिवाइड करना है टू पार्ट्स में, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस, टू सिंपल सेंटेंस में डिवाइड करना है। जैसे राम विद्यालय से आया और यहां पर क्या दिया है, राम सो गया। तो यहां फिर अब इन दो वाक्यों को जब हमने अलग कर लिया, अब संयुक्त वाक्य में हमको जोड़ना है, संयुक्त वाक्य बनाना है, तो कोई ना कोई कंजंक्शन हमें चाहिए। तो कंजंक्शन के बारे में हमने जानकारी ली थी, और अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, इसे ही हम समुच्चय बोधक योजक भी कहते हैं, कंजंक्शंस को ही इंटरजेक्शंस भी कह सकते हैं। तो इसे ही, इनमें से कौन सा इसके लिए सुटेबल होगा, उसे आपको अर्थ की दृष्टि से, मीनिंग की दृष्टि से कौन सा सुटेबल फिट बैठता है उसे सेलेक्ट करके आपको ऐसे बनाना है। जैसे राम विद्यालय से आया और क्या हो गया, सो गया। तो यह हमने किस में बदल दिया, सरल से हमने किस में बदला इसको, संयुक्त में बदला। तो हमारा पहला यही है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलना है ये हमने सीखा। अन्य उदाहरण देखेंगे हम अब, अन्य उदाहरण। ये सरल वाक्य में दिया गया है और आपको संयुक्त में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो कैसे बदलेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूं, यहां पर पहला, मेरे विद्यालय जाने पर वह जा चुका था, जा चुका था। अब इसे हम कैसे बदलेंगे, मैं विद्यालय गया
विद्यालय गया, लेकिन वह जा चुका था, लेकिन वह जा चुका था। तो देखिए यहां पर आप लोगों को, मेरे विद्यालय जाने पर वह जा चुका था, यह सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को हमने मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में कैसे बदला? तो मैं विद्यालय गया लेकिन वह जा चुका था। तो यहां पर संयुक्त वाक्य में कंजंक्शन कौन सा जुड़ा है? लेकिन। इसी तरह से दूसरा, दूसरा राम जूते खरीदने बाजार गया। राम जूते खरीदने बाजार गया। इसे कैसे बदलेंगे हम? राम को जूते खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। तो यहां पर क्या जुड़ा? इसलिए जुड़ा है। तो इस तरह से और बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम, अन्य सारे उदाहरण आते ही हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को उपयोगी है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं। तो अभी तक हमने बच्चों सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलना है देखा। अब हम दूसरा स्टेप इसी में जाएंगे, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। तो सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं उसके लिए हम जानकारी लेंगे। तो उदाहरण देखिए, यहां पर उदाहरण देखना आपको। मोहन गांव जाकर बीमार पड़ गया। तो ये हमारा सरल वाक्य है, यह हमारा सरल वाक्य है। मोहन गांव जाकर बीमार पड़ गया, यह सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में बदलने के लिए दिया गया। अब आपको फिर से वही नियम, सबसे पहले तो आपको दिए गए सरल वाक्यों को दो भागों में विभाजित करना है, जैसा कि हमने जो है संयुक्त वाक्यों में बदलते समय भी हमने देखा। तो उसी तरह से यहां पर भी इस सरल वाक्य को दो भागों में विभाजित करना है। जैसे अगर हमने किया यहां पर दो भागों में इनको विभाजित, तो हमें क्या क्या मिल सकते हैं ये देखेंगे। दो सरल वाक्य मिलेंगे, मोहन मोहन गांव गया, यहां पर मोहन बीमार पड़ गया। मोहन गांव गया, मोहन बीमार पड़ गया। अब आपको पता चला होगा कि इस सरल वाक्य को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो दो अलग-अलग हमें जो है क्या है अब सरल वाक्य मिले हैं। अब इन्हें मिश्र वाक्य में हमें बदलना है, तो नियम क्या है? जैसा कि हमने जो है देखा, संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए दो वाक्यों के बीच हमने क्या जोड़ दिया था? कंजंक्शन जोड़ दिया था, है ना? तो कंजंक्शन और, अथवा, किंतु, परंतु आदि हमने देखे थे। अब मोहन गांव जाकर बीमार पड़ गया, इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है तो क्या करना है? तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में, आपको पता ही है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसी पर आश्रित दूसरा उपवाक्य होता है। तो एक मुख्य, एक मेन सेंटेंस और दूसरा उसी पर डिपेंडेंट सेंटेंस होगा, तो उस तरह का जो सेंटेंस मिलता है हमें, उसे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा था। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो डिपेंडेंट सेंटेंस है उसकी शुरुआत किन से होती है वो भी आप लोग को पता ही है।
तो यहां पर अभी हमें मोहन गांव गया, मोहन बीमार पड़ गया, तो इन दोनों में सबसे पहले हमें आश्रित, आश्रित मतलब डिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है वो पहचानना है। तो मोहन बीमार पड़ गया, कब पड़ गया ये? जब वह गांव गया। तो गांव जाने के बाद ही वो बीमार पड़ गया। तो ये बीमार पड़ना यहाँ पर मुख्य वाक्य है। तो बीमार पड़ना यहाँ पर कैसा वाक्य है? ये मुख्य वाक्य है। और यहाँ पर आधारित मोहन गांव गया, यहाँ ये आश्रित वाक्य है। आश्रित वाक्य है। तो मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य की पूर्ति कब होती है? जब हम जो है कोई वहां पर उनके बीच में, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें कंजेक्शन नहीं जुड़ते, लेकिन इनकी शुरुआत कुछ शब्दों से होती है। जैसे आश्रित वाक्यों की शुरुआत मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए कि जो, जब, जिसका, जहां, की, क्योंकि, आदि, इनसे मिश्र आश्रित वाक्य की शुरुआत होती है। तो इसलिए जब आप मिश्र वाक्य बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान में रहना है कि इनमें से कौन सा सुटेबल जो वर्ड होगा जिससे हमें मिश्र वाक्य बनाने में आसानी होगी। तब मैं मिश्र वाक्य बनाने के लिए यहाँ पर लूँगा, मिश्र वाक्य कैसे बनेगा यहाँ पर देखिए आप। जब मोहन गांव गया तब वह बीमार पड़ गया। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या लिया यहां पर, जब। तो ये मोहन गांव गया यहां पर आश्रित है, उसको बदला, और वह बीमार पड़ गया ये मुख्य वाक्य है। तो इस प्रकार के वाक्य को ही हमने क्या नाम दिया था? मिश्र वाक्य का नाम दिया था। तो आपको समझ में आया होगा कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है, तो यहाँ पर भी हमें नियम वही लागू करना है जो हमने संयुक्त वाक्य में देखा था। संयुक्त वाक्य में बदलते समय मतलब सरल वाक्य को दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट विच इज द डिपेंडेंट सेंटेंस एंड विच इज द मेन क्लॉज। ओके, तो वहां पर मेन क्लॉज क्या है और डिपेंडेंट सेंटेंस क्या है ये फाइंड आउट करके, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि डिपेंडेंट सेंटेंस की शुरुआत इन शब्दों से होती है। तो इनमें से कौन सा शब्द सुटेबल होगा वो ऐड करके आपको मिश्र वाक्य बनाना है। तब आप लोग को ऑटोमेटिकली उनमें आश्रित वाक्य और मुख्य वाक्य पता चल जाएगा। तो इस तरह से मोहन गांव जाकर बीमार पड़ गया, इस सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य क्या है? जब मोहन गांव गया तब वह बीमार पड़ गया। If you like this video, please give a thumbs up. Please subscribe to our channel to get more videos on CBSE syllabus.